वेलकम नेशनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं सर शुक्ला और इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों जो बिहार की जलवायु और मानसून है, देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो बिहार विशेष से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार की जलवायु और मानसून एक बड़ा टॉपिक है, तो आपको ये टॉपिक दोस्तों को पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस वीडियो में हमने 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आपसे इतना कहते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर किया करिए। देखिए आप जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जो है वीडियो पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है, यानी कि जो बिहार हमारा अगर ये हो गया तो बिहार के हमारा उत्तरी भाग ऊपर का हो गया और इसके पूर्वी भाग की जो है पूछा गया जलवायु क्या होनी चाहिए। तो बिहार के उत्तरी मैदानों के जो पूर्वी भाग की जलवायु है वो क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्द्र। देखिए जो बिहार के उत्तरी मैदान की जो पूर्वी जलवायु है, भाग की जलवायु है, वो आर्द्र जलवायु है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप 3500 प्रश्न को सॉल्व करिए और आप 35 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अब आपके पास समय बहुत अधिक नहीं है, हो सकता है कि परीक्षाएं अब आयोजित की जाएं, क्योंकि जो देखिए आपको पता है अभी हाल ही में UGC गाइडलाइन आई है कि जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में अंतिम वर्षीय परीक्षाएं वो सितंबर तक करवाए जाएंगे। देखिए सितंबर से जो है परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, तो आपको अपने लिए भी तैयार होना ज़रूरी है। देखिए इस वीडियो का PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। देखिए टेलीग्राम पर जाके आप जब डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको जो है रेगुलर PDF मिल जाया करेगी। तो आइए शुरू करते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, बिहार के उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है। देखिए पहले बिहार के उत्तरी भाग की जो है पूर्वी भाग की जलवायु पूछी गई थी और इस बार पूछा गया है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा अर्धशुष्क है। देखिए उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो आर्द्र है और उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वो है आर्द्र अर्धशुष्क है। क्या है, अर्धशुष्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अर्धशुष्क। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, यानी कि बिहार का जो जलवायु है उसे किस नाम से नहीं जाना जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है मानसूनी जलवायु, इस नाम से जाना जाता है। दूसरा है उष्ण आर्द्र जलवायु, इस नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है उपोष्ण जलवायु, इस नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से जो है नहीं जाना जाता है बिहार की जलवायु को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हमारा चौथा प्रश्न, बिहार के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, यानी कि जो बिहार की जलवायु है उसमें कितने मौसम प्रचलित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीत ग्रीष्म एवं वर्षा। देखिए तीन प्रमुख ऋतुएं हैं, शीत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु जो है बिहार के तीन प्रचलित मौसम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इस प्रश्न का है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा इस समय क्या चल रहा है, इस समय जो बिहार में मानसून का मौसम है या फिर इसे आप वर्षा का मौसम कह सकते हैं, बिहार में इसमें वर्षा से काफ़ी जो है बिहार प्रभावित हुआ है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, जो बिहार की जलवायु है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए क्या है, छठा प्रश्न हमारा है कि भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, वह स्थान कौन सा है। तो देखिए उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत जो है बिहार का कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है, बात हो रही है उष्ण मानसूनी प्रदेश। तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। देखिए जो उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत जो बिहार प्रांत का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है वो है पटना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न हमारा है बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है। तो बिहार का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है। तो सातवें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा गया। देखिए जो गया है गर्मी के मौसम में सर्वाधिक गर्म रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सी है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, बिहार में किस मानसून से अधिकतम वर्षा होती है, यानी कि जो बिहार में कौन सी मानसून है जिसके कारण अधिकतम वर्षा बिहार में होती है। तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। देखिए जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसी से जो है बिहार में अधिकतम वर्षा होती है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी यहां पर है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवा प्रश्न,
बिहार में सर्वाधिक वर्षा औसत वर्षा कहाँ पर होती है? बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। देखिए जो बिहार का किशनगंज जिला है, बिहार के किशनगंज में है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है पूरे बिहार में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दसवां प्रश्न हमारा क्या है, बिहार से मानसून की वापसी कब शुरू होती है? देखिए बिहार में जो मानसून है लगभग जून में पहुंचता है, 15 जून के बाद जो है बिहार में मानसून पहुंचता है, और यहाँ पर समाप्त होने की बात हो रही है। देखिए जो बिहार में मानसून का समाप्त होना होता है वो अक्टूबर के मध्य में। देखिए लगभग 15 से 20 जून तक बिहार में मानसून जाता है, और 15 अक्टूबर तक यानी कि जो मध्य अक्टूबर होता है उसके समय तक जो है बिहार में मानसून वापस हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? तो देखिए जो बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है इसका प्रमुख जो कारण है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। देखिए जो बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है वह भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 12वां प्रश्न हमारा है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में वर्षा किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? देखिए अगर हम मान लीजिए बिहार है तो उत्तरी पूर्वी का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी का मतलब हमारा जो ये क्षेत्र होगा ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होगा। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है बिहार में? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वेस्टर जो हमारा है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नॉर्वेस्टर मतलब क्या है, जो मानसून हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ से निकलती है, कौन से बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मानसून निकलती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, और इसी कारण जो है बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो है वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा क्या है, देखिए बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो देखिए बिहार के मैदानी भागों में जो लू चलती है जिसे हम गर्म हवा कहते हैं इसकी रफ्तार बिहार में कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक। देखिए जो लू है यह उत्तर भारत में चलती है, लू उत्तर भारत में और पाकिस्तान में मुख्य रूप से चलती है, और इसकी जो गति बिहार में होती है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए क्या है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? यानी कि जो हमारा इस समय वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है बिहार में तो किस मानसून का प्रभाव बिहार में रहता है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। देखिए इसमें जो बिहार में मानसून का प्रभाव है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव है बिहार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 15वां प्रश्न हमारा क्या है, बिहार मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी इलाकों में कौन सी हवा चलती है? तो मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी इलाकों में कौन सी हवा चलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा चलती है। कौन सी हवा चलती है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा चलती है मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी इलाकों में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। देखिए इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। देखिए आपको सारे प्रश्न को नोट्स बना लेना है क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार के सारे एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और बीएसएससी मेंस के लिए तो हमने विशेष रूप से ये वीडियो तैयार किया है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, बिहार में शीत ऋतु में झंझावात वर्षा होने का क्या कारण है? जो बिहार में शीत ऋतु में झंझावात वर्षा होती है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चक्रवाती तूफान। देखिए जो चक्रवाती तूफान हमारे आते हैं बंगाल की खाड़ी में और उधर जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं उसी के कारण बिहार में शीत ऋतु में जो है झंझावात वर्षा होती है। तो अगर आपने बी चुना है ऑप्शन तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न हमारा क्या है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी के मौसम में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तरायण में। देखिए जो बिहार में गर्मी के मौसम में सूर्य की जो स्थिति होती है वो उत्तरायण होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा उत्तरायण। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है 18वां प्रश्न, पूरे बिहार में आर्द्रता किस महीने में न्यूनतम रहती है? यानी कि पूरे बिहार में जो है आर्द्रता किस महीने में न्यूनतम रहती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अप्रैल के महीने में। देखिए अप्रैल के महीने में जो है बिहार में आर्द्रता सबसे न्यूनतम रहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में जो मानसून का आगमन होता है यानी कि बिहार में जिस मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है? यानी कि
बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता घटती है या बढ़ जाती है। देखिए, जब बिहार में मानसून का आगमन होता है तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वह बढ़ जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसून के आने से बिहार में जो आर्द्रता है वो बढ़ जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। 20वां प्रश्न है, बिहार के मैदानी इलाकों में औसत वर्षा कितनी होती है, बिहार के मैदानी इलाकों में औसत वर्षा कितनी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर जो है बिहार के मैदानी इलाकों में औसत वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, यानी कि बिहार के किस भाग में। तो देखिए, बिहार में ग्रीष्मकाल के मौसम में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है बिहार के पूर्वी भाग में। जो बिहार का हमारा पूर्वी भाग है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, देखिए 22वां प्रश्न क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की प्रतिशत कितनी होती है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की प्रतिशत कितनी होती है। तो 22वां प्रश्न है और हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर डी, 90%, यानी कि बिहार में जो 90% वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण ही होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 90%। 23वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, बिहार में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी बिहार। देखिए जो उत्तर पूर्वी बिहार है, बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा मतलब हमारा जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा ये उत्तर पूर्वी बिहार हो जाएगा, और उत्तर पूर्वी बिहार में ही बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए क्या है, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए किशनगंज में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मैदान। देखिए जो बिहार में किशनगंज है यह उत्तर पूर्वी मैदान में ही पड़ता है। कहाँ पर, उत्तर पूर्वी मैदान में पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में किशनगंज पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न हमारा देखिए क्या है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग से आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, और आम्र बौछार के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में चक्रवाती तूफान आता है इसे नॉर्वेस्टर के नाम से, काल बैसाखी के नाम से, और आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ का है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। 26वां प्रश्न है, देखिए जो बिहार में मानसून का आगमन होता है वो 15 से 20 जून के बीच में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए 15 से 20 जून के बीच में बिहार में मानसून का आगमन होता है, और 15 से 20 अक्टूबर के बीच में जो है बिहार में मानसून चला जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। 27वां प्रश्न देखिए हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक सक्रिय रहता है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में आता है वो कब तक सक्रिय रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में जो है 15 अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आपका जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां देखिए क्या है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। देखिए नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था प्रारंभ में कि बंगाल की खाड़ी में जो है नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है, और इसका जो सबसे प्रभाव पड़ता है बिहार के पूर्वी भाग में पड़ता है, और पूर्वी भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है नॉर्वेस्टर यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से ही होती है, जिसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर हमारा है सही जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, जनवरी में उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक पर्वतमाला में किस प्रकार की घटना होने की संभावना नहीं है। तो देखिए जनवरी में उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर हमारा ये हो जाएगा और पश्चिम ये हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिमी बिहार ये है में शिवालिक पर्वतमाला में किस प्रकार की घटना होने की संभावना नहीं रहती है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाला गिरने की घटना नहीं होती। देखिए जनवरी में जो है उत्तर पश्चिमी बिहार के शिवालिक पर्वतमाला में पाला गिरने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा मूसलाधार वर्षा हो सकती है और तेज आंधी भी आ सकती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 31वां प्रश्न,
बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, यानी कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। 31वां प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जो है बिहार में वार्षिक औसत वर्षा होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले किस जिले की फसलों को चक्रवाती वर्षा का सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो देखिए, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले किस जिले की फसलों को चक्रवाती वर्षा का सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो 32वां प्रश्न हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज, कटिहार और अररिया। देखिए, किशनगंज, कटिहार और अररिया का जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून आने से पहले ही चक्रवाती वर्षा का फायदा यहाँ की फसलों को होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, किशनगंज, कटिहार और अररिया। 33वां प्रश्न हमारा है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी होती है। 33वां प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 127 सेंटीमीटर। देखिए, वहाँ पर जो वर्षा है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन औसत की अगर हम बात करें तो औसत जो हमारा निकलता है वो 127 सेंटीमीटर जो है बिहार में औसत वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है, यानी कि बिहार में औसत वर्षा कितने दिनों तक होती है। 34वां प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42.8 दिन। यानी कि जो बिहार में वर्षा की दिनों की जो औसत संख्या है वो हमारी हो जाएगी 42.8 दिन, लगभग डेढ़ महीने के बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि बिहार में सबसे पहले कहाँ पर और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी भाग, यानी कि जो बिहार का उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा और सबसे पहले वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो देखिए, जो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1033 मिलीमीटर। कितना? 1033 मिलीमीटर जो है बिहार में, 1033 मिलीमीटर जो है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए, यहाँ से हमने बिहार में जलवायु से और बिहार में मानसून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों देख लिए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो में आपके लिए कंटेंट ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगता है और हम आपके लिए वैसा ही वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना है आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, उसमें वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल में पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, देखिए, हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, आपको आपका जो सिलेक्शन है हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम उसको निवारण करने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।